కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్కు సంబంధించిన విషయాలపై తెలంగాణ రాష్ట్ర అధికారులతో చర్చించేందుకు ఈ నెల 9-10 తేదీలలో హైదరాబాద్లో పర్యటించింది కేంద్ర బృందం. నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ పాల్, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అదనపు కార్యదర్శి ఆర్తి ఆహుజా, డాక్టర్ రవీంద్రంతో కూడిన కేంద్ర బృందం కరోనా నియంత్రణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న వివిధ చర్యలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అభినందించింది. అనంతరం బీఆర్కే భవన్లో కేంద్ర బృందం సభ్యులు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై చర్చించింది. భారత సర్కార్కి వస్తే టీమ్ తెలంగాణ రాజ్యాంగం ద్వారా మాన్య ముఖ్యమంత్రి జీ కే ఆర్ తెలంగాణ సర్కార్ కే ఇన్విటేషన్ కే ఉపర్ కోవిడ్-19 కి పెండమిక్ జైజా లియా, ఇస్ ప్రదేశ్ మే కహాన్ తక్ इसका प्रकोप है, कैसे ये कंट्रोल में की जा रही है, तो उसका बैठ के पूरी चर्चा करी और जो अच्छे काम हुए हैं उनको समझा, उनको देखा और बिल्कुल ये क्लियर है कि सरकार पूरे जोरों से इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हर एंगल से इसको देखभाल में जुटी हुई है. और ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में ही बहुत तेज़ी के साथ टेस्टिंग जो है वो बहुत ऊपर आई, कई गुना हुई और उसको भी आगे बढ़ाने का पूरा एक माहौल बना है, तैयारी है. और जब टेस्टिंग इतनी बढ़ जाती है तो पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सब रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं दोनों तरह से, कि जो पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स जो आते हैं उनको पकड़ के रखा जाए ताकि वो इन्फेक्शन ना फैलाएं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव केस है उसके ऊपर नज़र रखी जाए, उसका ख्याल रखा जाए कि उनमें सिम्टम नहीं आए, बीमारी नहीं आए, और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं, को मोबिलिटी वाले हैं, उनका ध्यान रखा जाए. और जैसे ही समस्या बढ़ेगी तो पूरी तरह से इलाज हो. शुरू में घर का इलाज काफ़ी होता है लेकिन जब ज़रूरत हो तो अस्पताल में इलाज हो. तो टेस्टिंग का जो बढ़ना है ये एक बहुत बड़ा एक ताकत लेके आ जाता है सारे पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, और हमें दिखाई देता है कि उसकी नतीजे भी सामने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. आरटीपीसीआर के साथ एंटीजन टेस्टिंग को जोड़ दिया गया है, उससे एफिशिएंसी भी आ गई, रिजल्ट तेजी से आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है. जो हॉस्पिटल की प्रिपेयरनेस है उसका जायज़ा लिया और हम देखते हैं कि सारे ही ज़िलों में हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी है. ICUs भी अभी जितने चाहिए उसको काफ़ी तरह से काफ़ी हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बढ़ाने का भी जो प्रावधान किया गया है, तैयारी की है, वो सब दिखाई दे रहे हैं. और जिस तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था में तेज़ी आई है और तैयारी है, खूब सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल हमें दिखाई देता है. और हमें बहुत बड़ी खुशी ये मिलती है कि एक माहौल ऐसा बना है कि जनता में भी जो कोविड की प्रोटेक्ट करते हैं वो बिहेवियर्स जो हैं वो अच्छी तरह से प्रचलित हो रहे हैं, और भी उसमें तेज़ी की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी, सब जगह से रहेगी, हर प्रदेश में रहती है. और उसके ऊपर भी सरकार की, तेलंगाना सरकार की पूरी नज़र है जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है. इसी तरह से जब अगला जायज़ा लेते हैं कि सर्वेलेंस कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है उसको आप तेज़ी से कैसे लाया जाए, साइंटिफिक तरीके से इस पेंडेमिक को कंट्रोल किया जाए कि केसेस जो हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 नहीं हो, उसके ऊपर भी चर्चा हो. तो मिलके एक सेटिस्फैक्ट्री माहौल जो इमर्ज हो रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पॉजिटिव सीखा है उसको हम लेके जाएं. जैसे हितम ऐप है वो एक बड़ी इनोवेटिव बात हुई है, जिससे कि घर में जो पॉजिटिव केस को रखते हैं उसको कनेक्ट कैसे रहा जाए, उसको तसल्ली दी जाए, उसको किट वे सप्लाई होता है, और उसको फिर अस्पताल से जोड़ने की जब ज़रूरत आएगी तो उसमें मुस्तैदी और तेज़ी आती है. और ये बहुत एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह से हम वापस ले जाएंगे और बाकियों को भी बताएंगे, और आई एम श्योर कि सरकार खुद भी अपनी तरफ से बाकी गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, क्योंकि ऐसी चीज़ जो अच्छी बने तो बार बार क्यों बने. इसलिए मेरा ये सुझाव भी है कि बाकी भी अपने तरीके से पहुँचाइए, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे बने हैं, नेशनल प्रोटोकॉल को लेके जाते हैं, दवाइयाँ जो नई वाली हैं उनकी भी मात्रा जहाँ ज़रूरत है उसको किया जा रहा है, और क्लियरली एक लाइन ऑफ कमांड इसको कंटेन करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, रेजिलियंस दिखाने के लिए लाइन ऑफ कमांड
दिखाई देती है और उसमें पूरी तरह से सारा गवर्नमेंट वाइड एक्शन है, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट वाइड एक्शन है। स्टेट के लेवल पे भी और जिलों के लेवल पे भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे अभी वायरस है, इस देश में भी है, इस प्रदेश में भी है, और वायरस अपनी तरह से जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसको पकड़ेगा, तो जितना काम किया है उसके ऊपर बिल्ड करते हुए आगे और भी तेजी लानी है, आगे भी चौकन्ने रहना है और पूरी कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इसको कंटेन किया जाए, कर्व को फ्लैट किया जाए, और आगे भी तैयारी रखनी है कि जब तक भी यह वायरस हमारे देश में कहीं भी है, किसी भी प्रदेश में जहाँ तक भी है, उसमें कोई भी ढील नहीं बरतनी है और जनता को साथ लेके हमें इसको कंट्रोल कंटेन करना है। और इसी में हम भारत सरकार, तेलंगाना सरकार इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, और जो जो एक्शन पॉइंट इमर्ज हुए हैं उस पर मिल के ऊपर काम करेंगे और कार्यान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश में हम आए और हमें मौका मिला कि हम बातचीत के द्वारा इसी मुहिम में, इसी मिशन में अपना योगदान कर सकें। నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి, అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్, ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్, గూగుల్ ప్లస్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ.